मैं अंतिम में दिनेश गुप्ता जी आपके पास आऊंगा, समय कम है चूंकि। दिनेश जी, क्या आपको लगता है कि इस बार आदिवासी बहुत क्लियरली एक तरफ जाएगा जैसे हमेशा से जाता रहा है बीजेपी या कांग्रेस में से, या जिस तरह से दोनों पार्टियां दम लगा रही हैं, इस बार हो सकता है आदिवासी जो वर्ग है वो भी कंफ्यूज रहे और उतना एक तरफा मैंडेट ना आ पाए इस बार? नहीं, देखिए, आदिवासी का एरिया वाइज अलग अलग कई बार हो जाता है। अब जब, लेकिन आदिवासी जब भी निर्णय लेता है आप एक पार्टी के पक्ष में लेता है। आप 2003 से लेके आप 13 का डेटा देखे के भाजपा के पक्ष में गया, लेकिन जब 18 में उसने क्लियर कट कांग्रेस के साथ गया तो सरकार कांग्रेस की बन गई। जब 2003 में बहुत सारे, तब तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी शिक्षा नहीं थी, तब वो क्लियर मैंडेट देता है। तो अब आप सोचिए कि 2023 में जब वो जाएगा तो एक तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये तो तय है कि आदिवासियों को रिझाने में कोई कर कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आदिवासी किस तरफ जाएगा ये बड़ा सवाल है। एक बात सभी समझ रहे हैं कि आदिवासी जहां जाएगा सत्ता का स्वाद उसी को मिल पाएगा।